हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन शुरू हो गया है, समझे। ये आपका 10 सितंबर से लेकर आपका 9 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, समझे। तो इसमें कौन कौन भर सकते हैं और इसमें कितना रुपया मिलता है, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगता है, समझे, ये सब चीज़ आपको बताएँगे। कौन सेशन के लिए आया है तो ये सब चीज़ आपको बताएँगे। ध्यान से वीडियो पूरा देखिएगा, कैसे आपको मिलता है पैसा, जो जाति प्रमाण पत्र लगाया जाता है वो कितना दिन का होना चाहिए, सब चीज़ आपको बताएंगे। तो देखिए, लिखा है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर तक किया जाएगा। एकदम पूरा समझिएगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनता है, सब चीज़ें बताएंगे, फी स्ट्रक्चर कहाँ से बनेगा। तो लिखा हुआ है पोस्ट मैट्रिक, यहाँ पर थोड़ा बताते हैं, पढ़ देते, फिर उसके बाद एकदम आसान भाषा में समझा देंगे, समझे। कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 10 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है, यह 9 अक्टूबर तक स्वीकार किया जाएगा। आवेदक को बिहार राज्य का स्थानीय निवासी होना जरूरी, यानी आपका डॉक्यूमेंट में आपको कौन कौन लगेगा, आपका जाति आवासीय ये सब लगेगा, समझे। तो जाति आवासीय और आय तीनों लगता है, समझे। यह 9 अक्टूबर तक स्वीकार किया जाएगा। आवेदक को बिहार राज्य का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। यह आवेदन सत्र 22-23, अब 22-23 का मतलब समझिए, 22-23 का मतलब क्या होता है। देखिए, जिनका सेशन मान लीजिए बीएड मान लीजिए 2 साल का आपका है, समझे, और सेशन आपका 22-24 है, तो आपका 1 साल के लिए ना अप्लाई कीजिएगा, तो 22-23 आपका सेशन हो गया। हाँ, किसी का 21-23 किसी का सेशन होगा, मान लीजिए 21-23 सेशन है बीएड का, और वो फर्स्ट ईयर का उनका नहीं, सेकेंड ईयर के लिए भरेंगे, 22-23 उनका सेकेंड ईयर का सेशन होगा, समझे, 22-23, समझे। तो ऐसे चलता है, किसी का 19-21 सेशन, मैं शुरू 19-21 बोल रहे हैं, मान लीजिए 20-22 किसी का सेशन है तो वो नहीं भर सकते हैं इसमें, क्योंकि उनका 21-22 उनका बीएड सेकेंड ईयर का सेशन होता है, समझे। तो वही है कि यह आवेदन सत्र 22-23 के लिए स्वीकार होगा, लेकिन आवेदन भरते समय छात्र छात्राओं को सहज रहना है, क्योंकि पिछले वर्ष सत्र 19-20 तीन सत्र का दिया था, इसीलिए बहुत लोग भरे थे। 20-21 और 21-22 में करीब 10,000 छात्र छात्राओं ने गलत आवेदन किया था, जिसकी वजह से उनके खाते में स्कॉलरशिप की राशि से वंचित हो गए थे। सत्र 22-23 के छात्र छात्राओं भी आवेदन के समय यह गलती नहीं दोहराए, इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें समझाया गया है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 22-23 के लिए कैसे आवेदन करना है। अल्पसंख्यक समुदाय के जो होंगे वो लोग इसमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में नहीं भरेंगे, इसमें सब सिर्फ जो पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग सब आता है, BC1 BC2 ये सब भरेंगे, समझे, आवेदन नहीं करना है। वे NSP 2.0 पर ही आवेदन करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी हसन ने बताया कि छात्र छात्राओं द्वारा निर्गत शुल्क के रसीद की मूल प्रति, जिसमें संबंधित छात्र छात्राओं का नाम, यानी वही आपका फी स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं हम लोग, समझे, यानी जो मूल है उसका मतलब स्कैन किया हुआ लगाना है, जो आपका कॉलेज से मिलता है जो फी स्ट्रक्चर उसका करना है, समझे। तो वही लिखा है कि निर्गत शुल्क की रसीद मूल प्रति, जिसमें संबंधित छात्र छात्राओं का नाम, शैक्षणिक सत्र एवं वर्ष, कोर्स का नाम एवं राशि सही और स्पष्ट अंकित हो। इसके स्पष्ट स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करना है, यानी जो फी स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा उसका अच्छा से सब चीज़ लिखा होना चाहिए, कौन सेशन है, क्या नाम है, ये सब चीज़, समझे। उक्त रसीद संस्थान के लेटर पैड पर संस्थान प्रधान द्वारा हस्तांतरित मोहर द्वारा होना चाहिए, और जो रसीद है उस पर क्या होना चाहिए कि मोहर भी होना चाहिए। संस्थान के द्वारा निर्गत बोनाफाइड प्रमाण पत्र भी संस्थान के नाम, संस्थान का नाम, संस्थान का पता, छात्र की जन्मतिथि, शैक्षणिक सत्र, वर्ष, कोर्स का नाम और नामांकन तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। साथ ही बोनाफाइड संस्थान के लेटर पैड पर संस्थान के प्रधान का हस्तांतरित एवं मुहर होना चाहिए, मतलब साइन भी होना चाहिए और मुहर भी होना चाहिए। अब देखिए इसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट लगता है, तो डॉक्यूमेंट सिंपल आपको बता दिए, कॉलेज के द्वारा आपका फी स्ट्रक्चर दिया जाएगा और बोनाफाइड सर्टिफिकेट, समझे। अब देखिए एक और चीज़ बताते हैं, इसमें जाति जो आवासीय आय जाति और आवासीय जो लगता है वो 6 महीना तक मान्य होगा, यानी 6 महीना का पहले का बना होना चाहिए। लिखा है कि आय जाति और आवासीय प्रमाण पत्र सिर्फ RTPS द्वारा निर्गत ही मान होंगे, जो अधिकतम 6 माह के लिए चाहिए। छात्र छात्राओं आवेदन में राशि अंकित करते समय सिर्फ नॉन रिफंडेबल शुल्क को ही अंकित करें। दिव्यांग अथवा हॉस्टलर
छात्र अपने कॉलम में ही हाँ करने के साथ संबंधित प्रमाण पत्र भी अपलोड करे तभी उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। यानी जो हॉस्टल में रहते होंगे तो उनको हॉस्टल का भी चार्ज लगता है, तो वो भी आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं, समझे। अब देखिए लिखा अभिभावक का बैंक खाता नहीं देना, देखिए अपना बैंक खाता देना है जो अप्लाई करेंगे, अभिभावक का दीजिएगा तो नहीं जाएगा, समझे। लिखा है छात्र से अपना स्वयं का बैंक खाता नंबर ही आवेदन में अंकित करेंगे, अभिभावक या अन्य का खाता अंकित करने अथवा ज्वाइंट खाता अंकित करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। शुल्क रसीद के स्थान पर बैंक चालान अथवा कोई अन्य प्राप्ति रसीद अपलोड नहीं करेंगे, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं करेंगे। छात्र छात्रा आवेदन के बाद अपना लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड सुरक्षित रखेंगे तथा आवेदन पर अंतिम मोबाइल नंबर हमेशा ऑन रखेंगे, मतलब अंकित जो मोबाइल नंबर है उसको ऑन रखेंगे, समझे। अब देखिए छात्र छात्राओं के लिए जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है क्या है, लिखा हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर होनहार बच्चों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तहत छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के तहत न्यूनतम 2,000 रुपया और अधिकतम 90,000 मिलता है तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र छात्रा जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2,50,000 से ज़्यादा नहीं हो उन्हें छात्रवृत्ति योजना का जनरल के लिए नहीं है, समझे। EBC जो EWS में उनको भी नहीं, SC ST BC 1 BC 2 समझे, जिसे पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत मतलब जो मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से जो छात्र होंगे उन्हीं को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो आपके मान्यता प्राप्त होंगे, समझे। अब ये चीज़ हो गया तो आप सिंपल में समझ जाइए, आपके पास जातीय आवासीय आय होना चाहिए 6 महीना जो एकदम लेटेस्ट होना चाहिए, 6 महीना के लेट नहीं होना चाहिए, तो फिर वो नहीं होगा। फिर उसके बाद है कि आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी स्ट्रक्चर आपका कॉलेज देगा, समझे, ये सब चीज़ है। और 22-23 सेशन के लिए अप्लाई होगा, समझे। थैंक यू।